हेलो एवरीवन, प्रीवियस क्लास में हमने प्रीमियम के दो कंपोनेंट्स इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू को समझने की कोशिश करी थी। हमने देखा था ये किस तरह से दोनों ड्राइव होते हैं और किस तरह से हमें प्रीमियम इन दोनों कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो मैं आप लोगों के साथ करना चाहूंगा। तो सबसे पहले हम इंट्रिंसिक वैल्यू की एक्सरसाइजेस को करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से हम इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ऑलरेडी अभी तक आप लोग काफी कुछ समझ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए कुछ एक्सरसाइजेस प्रिपेयर करी हैं और मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको ऑब्जर्व करें ताकि आपके लिए जो इंट्रिंसिक वैल्यू की जो फिगर है उसको कैलकुलेट करना आप लोगों के लिए बिल्कुल इजी हो जाए और आप उसके बिल्कुल एकदम एक्सपर्ट बन जाए। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ इंट्रिंसिक वैल्यू से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस को, जो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस हैं और जो आप लोगों के लिए ना सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू को डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर समझने में मदद करेंगे बल्कि कैलकुलेट भी करने में मदद करेंगे और आप लोगों को इसके बाद इसकी अच्छी समझ हो जाएगी। ठीक है जी, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्लिप को। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि इंट्रिंसिक वैल्यू इज नथिंग बट एडवांटेज टू द ऑप्शन बायर इन द स्ट्राइक प्राइस ओवर कैश प्राइस। कि हम जब इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो बस हमें दो चीजें देखनी है कि स्ट्राइक प्राइस क्या है और कैश प्राइस क्या है, यानी कि कैश मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जिस प्राइस को हम फिक्स कर रहे हैं यानी कि स्ट्राइक प्राइस, वो कैश मार्केट के कंपैरिजन में क्या ऑप्शन बायर को एडवांटेजियस है या नहीं है, और अगर एडवांटेजियस है तो कितनी एडवांटेज है। तो जितनी एडवांटेज होगी वो एडवांटेज ही इंट्रिंसिक वैल्यू के तौर पर प्रीमियम के अंदर इंक्लूडेड होगी। ठीक है जी, तो अब बहुत सारी सिचुएशंस मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप खुद उन सिचुएशंस को ऑब्जर्व करके जो इंट्रिंसिक वैल्यू उसको आप कैलकुलेट करने की कोशिश करिए। तो चलिए, आपके सामने ये एक्सरसाइज अब स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कॉल का केस लूंगा और कॉल के अंदर भी दो केसेस हम लेंगे। एक बार हम कैश मार्केट प्राइस को फिक्स करेंगे और दूसरे केस के अंदर हम स्ट्राइक प्राइस को क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। तो आई वांट कि आपको ज्यादा से ज्यादा सिचुएशंस का एक्सपोजर हो ताकि आप बिल्कुल अच्छी तरह से जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसको आप समझ पाए। ठीक है जी, तो अभी जो पहली कुछ एक्सरसाइजेस आ रही हैं इसके अंदर मैंने कैश मार्केट प्राइस को फिक्स कर रखा है और स्ट्राइक को चेंज कर रहे हैं। जैसे कि हमने जब एनएससी की वेबसाइट के ऊपर ऑप्शन विंडो देखी थी, जहां पर ऑप्शन चेन हम लोगों के सामने थी, वहां पर हमने डिफरेंट स्ट्राइक्स देखी थी। ठीक है जी, तो दोनों सिनेरियो हो सकते हैं कि डिफरेंट स्ट्राइक्स से आप कोई पर्टिकुलर स्ट्राइक चूज कर सकते हैं या कोई आप एक स्ट्राइक के ऊपर कैश मार्केट भी लगातार चेंज होता रहता है, तो ऐसी सिचुएशंस में भी इंट्रिंसिक वैल्यू चेंज होती रहती है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा सिचुएशंस का एक्सपोजर हो जाए ताकि आप अच्छी तरह से इंट्रिंसिक वैल्यू को आप समझ पाए। तो यहाँ पर मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ और इस एक्सरसाइज के अंदर मैंने कैश मार्केट को क्या कर रखा है, यानी कैश मार्केट के प्राइस को मैंने फिक्स कर रखा है और स्ट्राइक को मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो आप देखिए बहुत सारे यहाँ पे एरो दिखाई पड़ रहे हैं, तो बहुत सारा एक जब ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हैं ना तो बहुत सारी चीजों को आपको ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पर आप जो डैंगलर्स हैं, जो चीजें हिल रही हैं, इनको आप ध्यान देने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर मैंने कॉल ऑप्शन का केस लिया है और कॉल ऑप्शन के अंदर स्ट्राइक प्राइस को चेंज किया है और कैश मार्केट प्राइस को क्या किया, दोनों मैं फिक्स कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एरो दिखा भी रहा है कि लेट्स कीप द कैश मार्केट प्राइस सेम फॉर अ वाइल और स्ट्राइक को क्या कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं। सेटलमेंट डेट कोई भी हो सकती है। ठीक है ना, इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते समय हमें सेटलमेंट डेट से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है जी, आपको सिर्फ दो चीजें देखनी है, कैश मार्केट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, और जिस तरह से सिचुएशन प्ले आउट हो रही है आपके स्क्रीन के सामने उसको आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करिएगा। ऑप्शन चेंज जब आप देखेंगे एनएससी की वेबसाइट पर तब आप शायद इन चीजों को आप मिस करेंगे, लेकिन आप ये एक्सरसाइज आपको मदद करेगी कि इन पॉइंट्स के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं प्ले कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि कैश मार्केट प्राइस केएन का 150 रुपए का चल रहा है और 130 रुपए के ऊपर आप यानी कि दो पार्टीज जो हैं वो कॉल कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। उसका प्रीमियम कितना चार्ज कर रहा है कॉल सेलर, वो 22 रुपए चार्ज कर रहा है। तो आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, क्या ये स्ट्राइक प्राइस एडवांटेजियस है या एडवांटेजियस नहीं है कॉल बायर के लिए? कहाँ 150 का रेट चल रहा है और ये 130 की मदद से 130 रुपए के ऊपर माल खरीद सकता है, तो यानी कि डेफिनेटली ये स्ट्राइक जो है ये क्या है, ये इन द मनी है। ठीक है जी, कितने से इन द मनी है, 20 रुपए से इन द मनी है। तो इसलिए 20 रुपए की जो वैल्यू हो गई वो इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई। ठीक है जी, मार्केट में 150 का भाव चल रहा था, स्ट्राइक प्राइस 130 की है, प्रीमियम कितना होगा,
20 से ज्यादा होगा, क्योंकि 20 रुपए की एडवांटेज छुपी हुई है इसके अंदर। तो 20 रुपए की एडवांटेज क्या होगी, इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, बाकी बचे 2 रुपए वो किसके अंदर आ गए, वो टाइम वैल्यू के अंदर आ गए। तो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करते हैं, आप इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद टाइम वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, कैलकुलेट हो जाती है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप बात समझ पाए होंगे मेरी। चलिए आगे चलते हैं। अभी भी हम कैश मार्केट प्राइस को क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं और डिफरेंट स्ट्राइक्स को हम ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल 140 रुपए पे आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कॉल का, ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अभी भी हमें ये जो स्ट्राइक प्राइस है आप लोगों के लिए क्या है, यानी कि कॉल बायर के लिए फेवरेबल है। और कितने रुपए की एडवांटेज है, 10 रुपए की एडवांटेज है, यानी कि प्रीमियम 10 रुपए से ज्यादा ही होगा इसका। देखिए कितना होता है प्रीमियम, प्रीमियम 14 रुपए का है और ये जो इसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 10 रुपए की, क्योंकि 10 रुपए की एडवांटेज है कॉल बायर को। तो इंट्रिंसिक वैल्यू 10 रुपए, बाकी बचे जो 4 रुपए वो किसके होंगे, वो टाइम वैल्यू के होंगे। ठीक है जी, और ये स्ट्राइक कौन सी है, डेफिनेटली इन द मनी है। ठीक है ना, आगे देखते हैं हम। अब स्ट्राइक प्राइस क्या कर लेते हैं हम, 150 रुपए की अगर चूज करते हैं तो ऐसी स्थिति में ये जो स्ट्राइक होगी क्या होगी, एट द मनी होगी, क्योंकि स्ट्राइक को कैश क्या है, दोनों बराबर है। तो क्या ऐसी स्थिति में आई मीन कॉल बायर को कोई एडवांटेज मिल रही, माल बाहर भी 150 का चल रहा है, इस कॉन्ट्रैक्ट की मदद से भी 150 रुपए का बेचारा खरीद सकता है। ठीक है, तो आई मीन यहाँ पर जो प्रीमियम होगा वो कितना दिखाया जा रहा है यहाँ पर, 8 रुपए। ठीक है जी, तो इसके अंदर ये जो 8 रुपए प्रीमियम है इसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है बताइए, इंट्रिंसिक वैल्यू 0, क्योंकि कोई एडवांटेज नहीं है। तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 0, बाकी जो बच रहा है जितना अमाउंट, वो पूरा किसका होगा, वो टाइम वैल्यू का होगा। ठीक है जी, तो बात समझ में आने वाली भी है ये, क्योंकि ये एट द मनी है इसलिए कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है इसके अंदर, क्योंकि किसी भी तरह की कोई भी एडवांटेज नहीं है इसके अंदर। आगे देखते हैं, 160 रुपए की अगर स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं तो प्रीमियम इसका 5 रुपए, इसके अंदर क्या है, कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है, कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, क्योंकि बाहर मार्केट में कैश मार्केट के अंदर 150 रुपए पे माल जब ट्रेड हो रहा है और इस स्ट्राइक की मदद से कॉल बायर 160 रुपए का माल खरीद सकता है, तो डेफिनेटली ये स्ट्राइक इसके लिए अभी फिलहाल एडवांटेजियस नहीं है, हो सकता है आगे चल करके एडवांटेजियस हो जाए। तो ऐसी स्थिति में अभी इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी 0, यानी कि प्रीमियम में जो 5 रुपए है उसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है, टाइम वैल्यू जो है वो पूरी 5 रुपए की है। ठीक है जी, और यहाँ पर आपको दिखाई भी पड़ेगा कि यहाँ पर स्ट्राइक कौन सी है, स्ट्राइक जो है ये आउट द मनी है, इसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी एडवांटेज नहीं है। आप प्रीमियम को ऑब्जर्व करिए, प्रीमियम जितनी ज्यादा एडवांटेजियस, जितनी ज्यादा स्ट्राइक एडवांटेजियस होगी, यानी जितनी ज्यादा उसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू होगी प्रीमियम उतना ज्यादा होगा। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं पहले इन द मनी था, यानी कि उसके अंदर एडवांटेज थी, तो उसके अंदर प्रीमियम क्या था, ज्यादा था। ठीक है जी, जैसे जैसे आई मीन स्ट्राइक जो है वो डिसएडवांटेजियस होती चली गई, यानी कि उसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू धीमे धीमे क्या होती चली गई, खत्म होती चली गई, तो प्रीमियम क्या होता चला गया, कम होता चला गया, जिसकी वजह से आई मीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सीन प्ले आउट हो रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब देख रहे हैं स्ट्राइक प्राइस क्या है, 170 रुपए का है, तो अगेन ये स्ट्राइक जो है ये आउट द मनी है, और यहाँ पे प्रीमियम इसका भी क्या होगा, कम होगा, देख रहे हैं और बहुत कम है प्रीमियम, 3 रुपए का प्रीमियम, इंट्रिंसिक वैल्यू इसके अंदर है नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि कोई भी एडवांटेज नहीं है कॉल बायर को, और जो 3 रुपए प्रीमियम के नाम के ऊपर आई मीन कॉल सेलर दे रहा है वो सिर्फ आई मीन टाइम वैल्यू के नाम के ऊपर ले रहा है। ठीक है जी, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि आई मीन कि किस तरह से प्रीमियम जो है वो आउट द मनी कॉल्स के अंदर क्या होता चलता चला जाता है, वो कम होता जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये स्ट्राइक जो है ये आउट द मनी है। आगे बढ़ते हैं, और अब हम क्या करेंगे, अभी हमने कैश मार्केट प्राइस को क्या किया था, हमने सेम किया था और स्ट्राइक को हमने चेंज किया था। अब आगे केस में हम क्या करने जा रहे हैं, हम कैश मार्केट को चेंज करेंगे और एक स्ट्राइक के ऊपर हम क्या करेंगे, डिफरेंट कैश मार्केट प्राइसेस को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की एक्सरसाइज ही अभी कंटिन्यू हो रही है, तो बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो अब देख रहे हैं आप देखिएगा कि जैसा मैंने लिखा है कि कैश मार्केट प्राइस ऑफ कैर्न जो होगा ऑलवेज चेंजिंग, तो इसको हम लगातार क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे, और जो स्ट्राइक प्राइस उसको क्या कर देंगे हम, लेट सी प्रीमियम ऑफ वन स्ट्राइक वाइल कैश प्राइस चेंजिंग, हम एक स्ट्राइक प्राइस को ऑब्जर्व करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्ट्राइक प्राइस 150 के लिए और कैश मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, 130 रुपए का चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो आप 150 रुपए की स्ट्राइक प्राइस एज ए कॉल बायर चूज कर रहे हैं,
तो ये स्ट्राइक आपके लिए क्या है, ये आउट द मनी है, क्योंकि आपको कोई भी एडवांटेज नहीं दे रही है, क्योंकि मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो 130 रुपए का चल रहा है, तो इसका प्रीमियम क्या है, कम है डेफिनेटली, क्योंकि इसके अंदर कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो और प्रीमियम जो है 3 रुपए का, वो पूरा पूरा आई मीन टाइम वैल्यू की वजह से, ठीक है जी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आई मीन ये जो स्ट्राइक थी आउट द मनी, अब देखते हैं कौन सी दूसरी यहाँ पर कैश मार्केट प्राइस लिया जा रहा है। स्ट्राइक प्राइस तो सेम 185 ही रखा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कैश मार्केट प्राइस को चेंज करके क्या दिखाया जा रहा है, 140 रुपए दिखाया जा रहा है। अभी भी ये स्ट्राइक जो है आपके लिए क्या है, 150 रुपए की डिसएडवांटेजेस है, तो अभी भी ये स्ट्राइक क्या है आउट द मनी, अभी भी प्रीमियम इसका कम ही रहेगा, तो अभी इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी क्या है, जीरो है, और 5 रुपए का जो प्रीमियम है वो पूरा पूरा किसके लिए है, वो टाइम वैल्यू के लिए, ठीक है जी। आगे देखते हैं हम, स्ट्राइक प्राइस 185 फिक्स की जा रही है, अब मार्केट में जो प्राइस लिया जा रहा है वो 150 रुपए का लिया जा रहा है, अभी भी ये स्ट्राइक आपके लिए यानी कि कॉल बायर के लिए क्या है, ये ना तो एडवांटेजियस है ना डिसएडवांटेजियस है, ठीक है जी। तो अब देखते हैं इसका प्रीमियम कितना दिखाया जा रहा है, 8 रुपए दिखाया जा रहा है, जिसमें अभी भी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी, जीरो, क्योंकि अभी भी आई मीन ये स्ट्राइक इसको कोई एडवांटेज नहीं दे रही है, ठीक है जी। तो ऐसी स्थिति में आई मीन इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है और 8 रुपए का जो प्रीमियम है वो पूरा पूरा टाइम वैल्यू की वजह से है, ठीक है। और यहाँ पे जो स्ट्राइक है अगेन ये एट द मनी है, क्योंकि कैश मार्केट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस क्या है, दोनों सेम है। अब देखिए कैश मार्केट प्राइस अगर 160 रुपए का हो गया तो आपके लिए जो स्ट्राइक पहले डिसएडवांटेजेस थी आज क्या बन गई है, वो आज वो एडवांटेजेस बन गई, ठीक है जी। तो इसका प्रीमियम भी देख रहे हैं बढ़ गया, 14 रुपए प्रीमियम हो गया इसका, और इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो इसकी 10 रुपए है, क्योंकि इस स्ट्राइक की वजह से 10 रुपए की एडवांटेज मिल रही कॉल बायर को, कहां 160 रुपए का माल जो है मार्केट में चल रहा है, और इस 150 की स्ट्राइक की वजह से 150 रुपए पे माल क्या कर सकता है, बाई कर सकता है, तो 10 रुपए की एडवांटेज यानी 10 रुपए की इंट्रिंसिक वैल्यू, और बाकी बचे 4 रुपए वो किसके अगेंस्ट है, वो टाइम वैल्यू के अगेंस्ट है, और ये जो स्ट्राइक है इन द मनी है। अब 170 रुपए का कैश मार्केट प्राइस हो गया है, यानी कि स्ट्राइक 150 रुपए की अगेन, तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी की होगी, 20 रुपए की एडवांटेज दिखाई पड़ रही है कैश मार्केट की कंपैरिजन में, तो 20 रुपए की क्या होगी, इंट्रिंसिक वैल्यू होगी इसके अंदर, और बाकी जो 2 रुपए बच रहे हैं वो किसके होंगे, प्रीमियम के अंदर, वो टाइम वैल्यू के होंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से हमने डिफरेंट सिनेरियोज देखे यहाँ पर, और ये जो स्ट्राइक थी 150 रुपए की वो डेफिनेटली इन द मनी है, क्योंकि ये डेफिनेटली कॉल बायर के लिए क्या है, ये एडवांटेजियस है। चलिए हमने इस तरह से इंट्रिंसिक वैल्यू को कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो ऑब्जर्व कर लिया, और कैलकुलेट करके बहुत अच्छी तरह से हमने डिफरेंट सिचुएशंस में समझ भी लिया कि किन किन सिचुएशंस में किस किस तरह से इंट्रिंसिक वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी हमने कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का केस देखा था, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किस तरह से हम इंट्रिंसिक वैल्यू को ऑब्जर्व करते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, और किस तरह से इंट्रिंसिक वैल्यू प्रीमियम को डिराइव करती है, ठीक है जी। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होने का है। चलिए मैं यहाँ पर इस क्लिप को प्ले कर रहा हूँ और आप देखिए। चलिए अब हम पुट ऑप्शन के केस के अंदर भी दो सिचुएशंस को देखेंगे। पहली सिचुएशन ऐसी देखेंगे जिसमें हम कैश मार्केट प्राइस को हम सेम करेंगे और स्ट्राइक को चेंज करेंगे, और दूसरी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, कैश मार्केट प्राइस को चेंज करेंगे और स्ट्राइक को सेम रखेंगे। तो मेरा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा सिचुएशंस का मैं ऑब्जर्वेशन करने के लिए मैं दूं, ज्यादा से ज्यादा सिचुएशंस का मैं आपको एक्सपोजर दे सकूं, ताकि आप अलग अलग सिचुएशंस में देखें कि किस तरह से इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं और किस तरह से वो प्रीमियम को ड्राइव करती है, प्रीमियम को अफेक्ट करती है, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो पहली क्लिप मैं प्ले कर रहा हूँ उसके अंदर मैंने कैश मार्केट प्राइस को क्या रखा है, सेम रखा है, ठीक है जी। तो इसके अंदर हम पुट बायर को होने वाली एडवांटेज को कैलकुलेट करेंगे, हम देखेंगे कौन सी स्ट्राइक्स जो हैं वो इन द मनी है और उनके अंदर कितनी एडवांटेज जो है वो पुट बायर को मिल रही है। ध्यान रखिएगा पुट कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है जिसके अंदर पुट बायर को ये राइट होता है, ये चॉइस होती है कि वो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर बेचना चाहे तो माल बेच सकता है, और अगर वो माल बेचना चाहेगा तो पुट सेलर को माल खरीदना पड़ेगा। और क्योंकि पुट सेलर ने पुट बायर को ये फ्रीडम दी है और प्रीमियम उसके अगेंस्ट पुट सेलर ने चार्ज किया है, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से ये सारी बातें अब आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल एकदम फिट होनी चाहिए। मैं यहाँ पे इस क्लिप को प्ले कर रहा हूँ और आप देखिए आपके सामने बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पर आने वाली है। चलिए हम देखते हैं इस क्लिप को, जहाँ पर कैश मार्केट प्राइस जो है, यहाँ पर हमने इस वाली क्लिप के अंदर हमने निफ्टी का डेटा उठाया है,
तो यहाँ पर अभी निफ्टी जो है फॉर एग्जाम्पल हमने ऐसा एज्यूम किया कि 7850 की चल रही है, ठीक है जी, कैश मार्केट के अंदर, और जो स्ट्राइक चूज करी है आई मीन पुट के केस के अंदर वो 7700 चूज करी है। तो आप बताइए जो माल मार्केट में 7850 का चल रहा है और ये पुट बायर ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि वो इस स्ट्राइक की मदद से वो अपना माल 7700 पे बेच सकता है, तो क्या ये जो पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है क्या पुट बायर के लिए एडवांटेजियस है? जहां माल मार्केट बाहर में 7850 का चल रहा है ओपन मार्केट में कैश मार्केट में, और ये स्ट्राइक इसको ये अपॉर्चुनिटी दे रही है कि वो बेचना चाहे तो माल अपना 7700 पे बेच सकता है, तो क्या ये स्ट्राइक एडवांटेजियस है? क्या ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एडवांटेजियस है? पुट बायर के लिए अभी फिलहाल नहीं है, हो सकता है आगे चल करके जब सेटलमेंट डेट की तरफ आगे बढ़े तो ये एडवांटेजियस हो जाए, अभी फिलहाल ये एडवांटेजियस नहीं है, जिसी की वजह से आप देख रहे हैं कि प्रीमियम भी इसका कम है 5 रुपए। तो क्योंकि ये एडवांटेजियस नहीं है तो यानी कि ये स्ट्राइक क्या हो गई है, ये आउट द मनी होगी, ठीक है जी, और इसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी? 0, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एडवांटेज नहीं है। तो देखा आपने एडवांटेज इसके अंदर 0 है, इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है, और जो 5 रुपए प्रीमियम के पुट सेलर चार्ज करा वो पूरे पूरे सिर्फ टाइम वैल्यू के अगेंस्ट। आगे देखते हैं, अब मैं आपको ये एक्सरसाइज करने के लिए बोल रहा हूं, आप करिए इसको। स्ट्राइक 7800 के लिए प्रीमियम 18 रुपए है, और ये स्ट्राइक जो है ये आउट द मनी है, क्योंकि अभी भी आई मीन ये जो स्ट्राइक है ये डिसएडवांटेजियस है, किसी भी तरह से आई मीन कोई भी एडवांटेज पुट बायर को नहीं दे रही है। भाई पुट बायर 7800 पे माल बेचने की बात कर रहा है जबकि मार्केट में ऑलरेडी आई मीन प्राइस 7850 का चल रहा है, तो ये अभी भी स्ट्राइक पुट बायर के लिए अभी फिलहाल डिसएडवांटेजियस है। मैं बोल रहा हूं बार बार अभी फिलहाल, क्योंकि आगे चल करके सिचुएशन क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो अभी इसका प्रीमियम 18 रुपए जो पुट सेलर चार्ज कर रहा है तो उसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो 0 है, क्योंकि ये कोई भी एडवांटेज जो है वो पुट बायर को नहीं दे रहा है अभी इस स्ट्राइक के ऊपर। तो ये जो 18 रुपए का प्रीमियम है ये पूरा पूरा किसके अगेंस्ट है? ये टाइम वैल्यू के अगेंस्ट है। आगे देखते हैं हम, अब स्ट्राइक प्राइस जो लिया गया 7850 का लिया गया, मार्केट में भी 7850 का, स्ट्राइक भी 7850 की, तो यानी कि ये जो स्ट्राइक होगी ये क्या होगी? ये एट द मनी होगी। प्रीमियम इसका कितना है? 33 रुपए है। अभी भी इसके अंदर कोई एडवांटेज नहीं है पुट बायर के लिए, क्योंकि पुट बायर को कोई खास एडवांटेज नहीं मिल रही, बल्कि कोई भी एडवांटेज नहीं मिल रही है। बाहर भी 7850 का कैश मार्केट में, और ये कॉन्ट्रैक्ट भी आई मीन इसको 7850 पे माल बेचने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो कोई एडवांटेज नहीं, इसका मतलब कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं। तो 33 रुपए का जो प्रीमियम है वो पूरा पूरा किसके लिए है? वो टाइम वैल्यू के लिए, ठीक है जी। और ये स्ट्राइक है एट द मनी है, क्योंकि कैश मार्केट और स्ट्राइक प्राइस क्या है? दोनों बराबर है। आगे देखते हैं हम कि कैश मार्केट प्राइस अभी भी 7850 का हमने ले रखा है निफ्टी का, और स्ट्राइक कितने की? 7900 की है। तो अब ये स्ट्राइक जो है ये पुट बायर के लिए, अगर पुट बायर इस स्ट्राइक पे काम करता है तो ये स्ट्राइक जो है पुट बायर के लिए क्या है? फेवरेबल है, और इसको एडवांटेज है, 50 रुपए की एडवांटेज है, तो यानी इसका प्रीमियम जो होगा वो 50 रुपए से ज्यादा होगा, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू ही 50 रुपए की है इसके अंदर। तो देख रहे हैं हम कि प्रीमियम 57 रुपीज का है, तो यहाँ पे जो 7 रुपीज की जो वैल्यू है वो टाइम वैल्यू के अगेंस्ट है, और ये जो स्ट्राइक है ये इन द मनी स्ट्राइक है, ठीक है जी। अब देख रहे हैं स्ट्राइक हमने कौन सी चूज करी है? 8000 की चूज करी है। तो अगर 8000 पे पुट बायर और पुट सेलर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जबकि कैश मार्केट में निफ्टी 7850 की चल रही है, तो डेफिनेटली ये जो स्ट्राइक है ये पुट बायर के लिए एडवांटेजियस है। कितने की एडवांटेज है इसके अंदर? तकरीबन 150 रुपए की एडवांटेज है, तो इसका प्रीमियम 150 रुपए से ज्यादा ही होगा। देख रहे हैं आप, इंट्रिंसिक वैल्यू है 150 रुपए की, क्योंकि एडवांटेज 150 रुपए की है, और बाकी प्रीमियम में जो 10 रुपए है वो टाइम वैल्यू के अगेंस्ट है, और ये जो स्ट्राइक है ये अपने आप में क्या है? ये इन द मनी है, ठीक है जी। तो इस तरह से हमने एक ऐसी सिचुएशन आपको देखने का मौका दिया कि जहां पर एक पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर, भाई ठीक है मार्केट में प्राइस लगातार चेंज कर रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर कैश मार्केट का प्राइस क्या होता है? सेम रहता है, और उस समय डिफरेंट स्ट्राइक्स जो होती है वो अलग अलग तरह की इंट्रिंसिक वैल्यू लिए रहती है, ठीक है जी। तो इस तरह से आई मीन आपने यहाँ पर एक पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर जिसपे स्ट्राइक चेंज हो रही है और कैश मार्केट चेंज नहीं हो रहा है, ऐसी सिचुएशन में आपने डिफरेंट स्ट्राइक्स कितनी कितनी इंट्रिंसिक वैल्यू लिए हुए हैं अपने उसको आपने यहाँ पर ऑब्जर्व करके कैलकुलेट करने की कोशिश करिए। अब यहाँ पे एक छोटी सी क्लिप मैं और प्ले करने जा रहा हूँ, अगेन पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की वो क्लिप है जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, जिसके अंदर मैं कैश मार्केट को चेंज करूंगा और एक स्ट्राइक के ऊपर उस कैश चेंज होते हुए
कैश मार्केट प्राइस का मीन इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर उस फिक्स स्ट्राइक के ऊपर क्या क्या फर्क पड़ता है, उसको मैं यहाँ पर आपसे बोलूंगा कि आप उसको ऑब्जर्व करिए और कैलकुलेट करने की कोशिश करिए। ठीक है जी, तो चलिए मैं क्या करता हूँ, इसको प्ले करता हूँ दूसरी क्लिप को। देख रहे हैं इसमें, आई मीन इस क्लिप के अंदर कैश मार्केट प्राइस जो है निफ्टी का, ये लगातार हम क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे और सिर्फ एक ही स्ट्राइक के ऊपर उस बदलते हुए कैश मार्केट प्राइस को हम ऑब्जर्व करके इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर अभी फिलहाल जो हमें निफ्टी चल रही है वो 7800 की चल रही है और जो हमने स्ट्राइक चूज करी है वो 7900 की चूज करी है। तो ऐसी स्थिति में आई मीन ये जो स्ट्राइक है डेफिनेटली पुट बायर के लिए क्या है, एडवांटेजियस है। कहां बाहर मार्केट में आई मीन निफ्टी 7800 की, इस स्ट्राइक की मदद से पुट बायर 7900 का माल बेच सकता है, तो ये स्ट्राइक एडवांटेजियस है, इसलिए ये स्ट्राइक इन द मनी है। और इसके अंदर कितने के एडवांटेज है, 100 रुपए की सीधे सीधे एडवांटेज देखने का मौका मिल रहा है, यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू इसके अंदर 100 रुपीज की है और प्रीमियम में बचे हुए बाकी के 5 रुपए जो है वो टाइम वैल्यू के अगेंस्ट है। अब देखिएगा कैश मार्केट चेंज होकर के क्या हो गया, 7850 का हो गया और स्ट्राइक जो है वो 7900 पे हम लोग आई मीन यानी कि पुट बायर और पुट सेलर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अभी भी ये जो स्ट्राइक है आई मीन पुट बायर के लिए एडवांटेजियस है, 50 रुपए की एडवांटेज सीधे सीधे दिखाई पड़ रही है। बाहर माल 7850 का कैश मार्केट में चल रहा है और इस स्ट्राइक की मदद से पुट बायर 7900 पे माल बेच सकता है, तो 50 रुपए की एडवांटेज स्ट्राइक क्या होगी, इन द मनी, क्योंकि एडवांटेजियस है पुट बायर के लिए। और यहाँ पर क्योंकि 50 रुपए की एडवांटेज है तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी, 50 रुपए की, तो प्रीमियम में जो 57 रुपीज है, 7 रुपीज किसके अगेंस्ट हुए, टाइम वैल्यू के अगेंस्ट हुए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अब जो हमने प्राइस चेंज किया है वो 7900 का चेंज किया है, कैश मार्केट में निफ्टी 7900 की चल रही है और देख रहे हैं कि स्ट्राइक प्राइस भी 7900 का है, तो यानी कि ये आई मीन स्ट्राइक प्राइस कैश मार्केट प्राइस दोनों सेम है, तो ये स्ट्राइक क्या होगी, एट द मनी होगी और ये स्ट्राइक पुट बायर को किसी भी तरह की कोई भी एडवांटेज नहीं दे रहा है। ठीक है जी, तो ये इसके अंदर जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो, कोई एडवांटेज नहीं, तो इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो। और यहाँ पे प्रीमियम जो 27 रुपए है तो 27 की 27 पूरा अमाउंट जो है वो टाइम वैल्यू के अगेंस्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस को एट द मनी दिखाया जा रहा है। अब जो कैश मार्केट में निफ्टी का प्राइस यहाँ पर दिखाया जा रहा है वो 7950 दिखाया जा रहा है, तो अगर मार्केट में 7950 का रेट चल रहा है और स्ट्राइक 7900 की कोई पुट बायर चूज करे तो अभी फिलहाल उसके लिए स्ट्राइक क्या होगी, डिसएडवांटेजियस होगी, डिसएडवांटेजियस। ठीक है ना, ध्यान से सुन रहे हैं आप मेरी बात, तो डिसएडवांटेजियस है यानी कि किसी भी तरह की कोई भी एडवांटेज नहीं है, कोई एडवांटेज नहीं है, तो यानी कि यहां पर आई मीन इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, जीरो। ध्यान से सुन रहे हैं, तो यहाँ पर आई मीन अगर ये देखना है हमें कि एडवांटेज है या नहीं है, यहाँ पे ऐसा आप नहीं बोल सकते यहाँ पे डिसएडवांटेज है 50 रुपए की तो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू निगेटिव होगी, नहीं, इंट्रिंसिक वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो आपको ये देखना है कि इंट्रिंसिक वैल्यू कब होगी, जब उसके अंदर एडवांटेज होगी, डिसएडवांटेज को भी हमें ऐसे ही समझना है कि इसके अंदर एडवांटेज नहीं है, अगर एडवांटेज है तो जितने अमाउंट से एडवांटेज है उतने अमाउंट से उसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू है, और अगर उसके अंदर डिसएडवांटेज है तो उसके अंदर यानी कि एडवांटेज नहीं है, यानी कि उसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू है वो जीरो है। ठीक है जी, तो यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो और जो प्रीमियम है 15 रुपए वो पूरा पूरा किसके अगेंस्ट है, वो टाइम वैल्यू के अगेंस्ट है और ये स्ट्राइक जो है ये आउट द मनी है। ठीक है जी, अब जो इसके अंदर आई मीन निफ्टी का प्राइस लिया गया है कैश मार्केट का वो 8000 लिया गया और यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस जो है अभी भी 7900 है, तो अभी भी ये स्ट्राइक जो है वो पुट बायर के लिए डिसएडवांटेजियस है और इसके अंदर यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो जीरो होगी और यहाँ पर जो प्रीमियम के 5 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं वो पूरे पूरे टाइम वैल्यू के अगेंस्ट चार्ज किए जा रहे हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि हम किस तरह से अलग अलग सिचुएशंस के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू को हम देख सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर इस तरह से आई मीन डिफरेंट सिनेरियोज को मैंने आप लोगों को एक्सपोज करने की कोशिश करी है, आप लोगों को दिखाने की कोशिश करी है ताकि आप अलग अलग सिनेरियो के अंदर ये देख पाएं कि किस तरह से हम इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं इस क्लास को क्या करूंगा, वाइंड अप करूंगा, इसके बाद मैं एक क्लास और लूंगा
ऑप्शन चेन के ऊपर मैं आप लोगों को लेकर के जाऊंगा और वहां से मैं जो आप लोगों को डिफरेंट स्ट्राइक्स होंगी उनके जो प्रीमियम्स चल रहे होंगे उसके अंदर मैं आप लोगों को इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोलूंगा। वैसे मैंने यहाँ पर भी जो डेटा लिया है वो एक्चुअल मार्केट से ही उठाया है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं चाहूंगा कि आप लाइव मार्केट के अंदर आप जाएं और वहां पर जो डिफरेंट स्ट्राइक्स हों उनको करेंट मार्केट प्राइसेस से यानी कैश मार्केट प्राइसेस से कंपेयर करके आप देखें कि उनके प्रीमियम्स के अंदर कितनी इंट्रिंसिक वैल्यू और कितनी टाइम वैल्यू। अभी फिलहाल यहाँ पर इस क्लास को मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। थैंक यू।